नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रविवार की दोपहर 2:30 बजे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को धूल में मिला दिया गया। इसके लिए प्रशासन एक महीने पहले से ही प्लान भी बना चुका था, जिसके तहत अधिकारियों ने आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वहां से बाहर निकलने को कहा था। शुक्रवार से ही लोग सोसाइटी से बाहर जाना शुरू भी कर चुके थे। टावर गिराने से पहले अच्छी तरह से चेकिंग की गई और फिर अचानक से सूचना मिली कि एक आदमी एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के अपार्टमेंट में सो रहा है। बताया गया कि उसे ये ध्यान ही नहीं था कि टावर को गिराया जाना है। एमरल्ड कोर्ट में आपको बता दें कि कुल 15 आवासीय टावर हैं और हर एक टावर में 44 अपार्टमेंट हैं। इस जगह लगभग 2500 निवासी और 1200 वाहन खड़े हुए रहते हैं। टावरों को खाली कराने के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था और इस टीम में 7 सदस्य सोसाइटी के भी थे। इसके अलावा हर एक टावर के लिए एक कप्तान भी बनाया गया था। टीम ने सभी टावर के अपार्टमेंट वालों को बाहर निकाल लिया था। इस कमेटी की ही तमाम कोशिशों की वजह से सुबह 7 बजे तक बच्चों और बुजुर्गों को सभी 15 आवासीय टावरों से निकाल लिया गया था। टीम का नेतृत्व एमराल्ड कोर्ट के गौरव मेहरोत्रा ने किया था। उनके मुताबिक टावर में कोई नहीं था, लेकिन फिर सुबह 7 बजे से ठीक कुछ देर पहले सिक्योरिटी गार्ड ने कार्यबल को ये सूचना दी, जिससे सभी हैरान रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ऊपरी मंजिल पर एक शख्स गहरी नींद में सो रहा है। उसके बाद इस टीम ने टावर को फिर से चेक कराया। जब स्पेशल टीम ने अपार्टमेंट में जाकर देखा तो एक शख्स गहरी नींद में उन्हें सोता हुआ मिला। विशेष कार्यबल के सदस्य नरेश केशवानी के मुताबिक टावर खाली कराने की योजना के तहत उन्होंने दूसरी बार अपार्टमेंट को चेक किया, उस समय यह शख्स सोता हुआ मिला। टावर खाली करने की डेडलाइन के बारे में वो शख्स भूल चुका था। उन्होंने बताया कि किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जगाया और फिर उसे 7 बजे के आसपास टावर से बाहर लाया गया। उन्होंने आगे बताया कि हम एक महीने से इस योजना पर काम कर रहे थे। इस योजना के तहत ही हमने अपार्टमेंट को 2 बार चेक करने की योजना बनाई थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ट्विन टावर डेमोलिशन से जुड़ी ये दिलचस्प जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।